फंसे तो वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई पीएम मोदी की तस्वीर। कोविशील्ड को लेकर उठे सवाल, वैक्सीन निर्माता ने अब बताए साइड इफेक्ट। वैक्सीन से लोगों की जान भी जाने की बात का किया है दावा। यूके की अदालत में वैक्सीन निर्माता एस्ट्राजेनेका की एंट्री के बाद भारत में कोविशील्ड सवालों में आ गई। एस्ट्राजेनेका की तरफ से बताया गया कि इसके साइड इफेक्ट हैं और लोगों की जान भी जा सकती है। इस खबर से भारत में सियासी पारा हाई हो गया है। भारत में कोविशील्ड की 175 करोड़ डोज लगाई गई थी और वैक्सीन को लेकर जो सर्टिफिकेट जारी किए गए थे उस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई थी। विपक्ष ने पहले इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा ली गई है तो विपक्ष फिर सवाल उठा रहा है, क्योंकि कोविशील्ड को लेकर अब पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटाया गया। एक एक्स यूजर लिखता है कि मोदी जी अब कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्रों पर दिखाई नहीं देंगे, बस जांच करने के लिए डाउनलोड किया गया। हाँ, उनकी तस्वीर चली गई है। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से सर्टिफिकेट से तस्वीर हटाई गई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता तो 1.5 महीने पहले से ही लगी हुई है, तो फिर अब क्यों स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी याद आ रही है? टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर मोदी की तस्वीर शामिल करने पर 2021 में विवाद छिड़ गया था, जो केरल उच्च न्यायालय तक पहुंच गया था। न्यायमूर्ति पीवी कुन्नीकृष्णन ने इस तर्क के जवाब में टिप्पणी की थी कि अन्य देशों में जारी किए गए प्रमाण पत्रों में निर्वाचित नेताओं की तस्वीरें नहीं होती हैं। उन्हें अपने प्रधानमंत्रियों पर गर्व नहीं हो सकता है, हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।